और एक और चीज आई, इसका धार्मिकरण, वो धार्मिक आधार पर चीजों को बट रहा था। पहले उसने सेकुलर को सेकुलर कहा, फिर धीरे 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 उसका सारा रंग जो है वो बदलता चला जाता है। संपादक और एंकरों को जब निकाला गया तो मीडिया के एक हिस्से में खुशी जाहिर की गई। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि एक जर्नलिस्ट के घर पर छापे पड़े तो सारे अखबारों ने मिलकर एक दिन तय किया और प्रतिरोध किया। यहां डॉक्टर प्रणय रॉय को विदेश जाने से रोक दिया गया, किसी मीडिया में कोई हरकत तक नहीं की किसी ने। कल को मुझे भी निकाल दिया जाएगा तो कोई दूसरा एंकर प्राइम टाइम में एंकरिंग कर रहा होगा अंग्रेजी वाला कि सही हुआ निकाल दिया हिंदी वाले को। तो ये मीडिया इस स्तर पर चला आया है। तो सत्ता की गुलामी तो सबने की, हर दौर में मीडिया ने की, लेकिन इस सत्ता की गुलामी में मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप किसी भी पैमाने से आप इसे उलट पलट कर, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हालांकि वो तो उस ये भी पसंद नहीं करता है, लेकिन गैर बुद्धिजीवी लोग हैं आप लोग मान लेते हैं, तो आप लोग समझ देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सवाल पूछने का मीडिया जो है वो पहला मोर्चा है। जब ये मोर्चा ध्वस्त होता है तो आम लोग निहत्थे हो जाते हैं, उनके पास कोई और औजार हथियार नहीं बचता है, उनमें पूछने का आत्मविश्वास चला जाता है, जिसके लौटने में दशकों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं। और यही हुआ कि जब मीडिया गोदी मीडिया बना तो गरीबों की आवाज चली गई। कैसे चली गई? इस 5-6 साल में हर दिन लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके भी वोटर प्रदर्शन कर रहे थे, BSNL, BPCL, रेलवे की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग 90% उन्हीं को वोट देने वाले थे, लेकिन जब वो हक और सवाल को लेकर सड़कों पर आए तो एक मीडिया उनका उनके कवरेज के लिए नहीं गया। तो नतीजा ये क्या हो रहा था कि वो अपना ही वीडियो बनाकर आपस में वायरल कर रहे थे। 1,25,000 संख्या है, एक वीडियो को भेजिए 25,000 हो गया तो वायरल हो गया। तो ये एक तरह से जनता का अंतर्मुखीकरण, वो इन्वॉल्व होती चली गई पब्लिक जो है उसका। सोचिए क्या ह्यूमिलिएशन है कि संख्या विहीन जनता संख्या होते हुए भी उसकी संख्या का वैल्यू जीरो हो गया। तो नंबर जीरो कर दिया इस मीडिया ने कि आप 1,00,000 की संख्या में भी किसानों की रैली लेकर दिल्ली आएंगे तो हम कवरेज नहीं करेंगे। जबकि वो सारे किसान, उन्होंने वोट दिया सरकार को, तो सरकार के समर्थक होने के बावजूद जब वो प्रदर्शन कर नागरिक बनने के लिए आते हैं तो ये मीडिया उनके खिलाफ हो जाता है। तो इसकी पूरी कोशिश यह है कि आप नागरिक ना बने, आप हमेशा समर्थक / भक्त बने रहें, नागरिक ना बने। ये वो मीडिया का प्रोजेक्ट आपको चल रहा है। और गरीब विरोधी हुआ, पहले काम छिप छिप के करता था मीडिया, गरीबों के विरोध में कॉरपोरेट के तर्कों की बातें रखता था, लेकिन अब आजकल खुलकर करता है, गांव का भी विरोध करता है। और यही हुआ कि जब JNU में आप लोगों ने फीस वृद्धि का मामला उठाया तो मीडिया आपके खिलाफ चला गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर आपके सपोर्ट में खड़ा होता तो हुजूरे हिंद को बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि इस वक्त देश के कई विश्वविद्यालयों में, कई विश्वविद्यालयों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फीस को लेकर, पढ़ाई को लेकर, व्यवस्था को लेकर। और इस वक्त यही वो सबसे शानदार चीज है इस देश की कि जब मीडिया लोगों के बीच में नहीं है, लोग अपने भीतर लोकतंत्र पैदा कर रहे हैं लेकिन मीडिया उनके बीच नहीं है। तो इसलिए मीडिया जो है JNU के खिलाफ हो गया। ये जनता के लिए नहीं, जनता से लड़ रहा था। और इसकी हालत आप देखिए कि ये पहला टेस्ट था जिसमें हमारा न्यूज मीडिया फेल कर गया। क्या क्या बातें बताई गई। एक दूसरा टेस्ट था जो मीडिया के डेमोक्रेटिक होने का सबसे बड़ा मौका था कि वो दिखा सकता था कि भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पहला मोर्चा है वो लड़ेगा। वो था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, NRC। इससे बोगस कुछ नहीं हो सकता था,
लेकिन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में इसे देश भर में लागू करने की बात हो रही है। लेकिन ये मीडिया कभी वो इस सवाल को वहां उठाने नहीं गया, देखने तक नहीं गया। ज्यादातर न्यूज चैनलों का आप देखेंगे तो, और बड़े हिंदी के अखबारों को देखेंगे, खासकर ये यूपी बिहार वाले अखबार जहां से 120 सीटें आती हैं, इनका प्रोजेक्ट बाद में समझ में आया कि ये अखबार अपनी जनता को किस तरह से अंधेरे में रख रहे हैं। क्रिमिनल है, माफ नहीं किया जा सकता इन अखबारों को। आप आर्काइव में जाके देखिए कि किस तरह से कवरेज हुआ है पिछले 5 साल में। कभी ना कभी कोई ना कोई तो पढ़ेगा कि भारत का मीडिया इतना एंटी पीपल कैसे हो सकता है। 1600 करोड़ रुपए खर्च करके 3.5 करोड़ लोगों पर अपनी नागरिकता साबित करने का पागलपन थोपा गया और 2 साल तक 2.5 साल तक यह कार्रवाई चलती रही और अब कह रहे हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, ये से फिर से कराएंगे और अब कह रहे हैं पूरे देश में कराएंगे। तो जो लोकतांत्रिक सवालों के साथ खड़ा रहने वाला मीडिया अगर होता तो इसके लेकर अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करता, बताता। अगर इसमें कुछ संभावनाएं उसको नजर आ रही है वो भी बताता, इसमें कुछ लोगों के अपमान, लोगों की परेशानियां नजर आ रही हैं तो वो भी बताता। हदसकर हादसे में कई लोग मर गए असम में, उनकी चर्चा नहीं हुई। ये पहला मोर्चा है, ये जो मीडिया है, आप इसके खतरे को समझिए। आप अभी भी उसे पुराने मूल्यों से, पुरानी उसकी कमाई से इसको देख रहे हैं, मगर इसका काम बदल गया है। 1906 में जब दक्षिण अफ्रीका में नई परमिट की व्यवस्था आई थी ट्रांसवाल शहर में कि अंगूठे का निशान देना पड़ेगा और जब मांगेंगे तब दिखाना पड़ेगा, तो गांधी जी खिलाफ हो गए और गांधी जी के साथ साथ एक हाजी हबीब मियां थे वो भी खिलाफ हो गए। तो सभा हुई, इसी तरह की सभा हुई, 13,000 भारतीय थे लेकिन 3,000 लोग आए। तो हाजी हबीब ने कहा कि हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम इस परमिट को नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि ईश्वर की शपथ ले रहे हैं और इस शपथ को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब सबसे कहा गया कि आप सोच लें, विचार लें, तो सबने कहा कि हम तैयार हैं, हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम इस परमिट व्यवस्था को नहीं मानेंगे। और वहां से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। उस गांधी के भारत में एनआरसी और इस तरह के परमिट को लेकर क्या रवैया है, आप अपने आप से पूछिए। वो दोनों गुजरात के थे, ये दोनों भी गुजरात के हैं। अगर वो भारत को बनाने का जो सपना, जो 1906 में एक जिद की तरह एक दो व्यक्तियों पर सवार होता है, जुनून, वो जज्बा अगर होता तो सारा देश इस बोगस आइडिया के खिलाफ आज सत्याग्रह कर रहा होता। लेकिन अखबारों ने इसको एक जायज तरीके से आप पर थोपा। आप कल्पना कीजिए कि गरीब से गरीब लोग वकीलों के यहां हलफनामा बनवा रहे होंगे अपनी पहचान और अपना सबूत देने के लिए। इस हालत पर आपको लाकर पहुंचा दिया गया जो 2014 से शुरू हुआ। अगर यह लोकतांत्रिक मीडिया होता तो इसके पहलुओं पर चर्चा करता, बात करता। किसी को नींद भी आ गई है सुनते सुनते मुझे, कोई बात नहीं। तो आप सोचिए कि कितनी भयावह बात है कि आप अपनी नागरिकता का सर्टिफिकेट लेकर, बाप दादों की जमीन का फोटोकॉपी लेकर आप लाइन में खड़े हैं। एक विधायक ने मुझे फोन किया कि उनके क्षेत्र के मतदाता रोज सुबह 700-800 की संख्या में पहुंच जाते हैं, ज्यादातर मुस्लिम गरीब अनपढ़ औरतें हैं, और वो चिट्ठियां लिखवाना चाहती हैं पहचान के तौर पर, क्योंकि उन्हें डर है कि एनआरसी आ जाएगा तो उनकी पहचान चली जाएगी, उनका मुल्क छिन जाएगा। लेकिन अब आप गांधी के भारत में नहीं हैं और ना ही आप गांधी के मानने वाले लोगों में से हैं। होते तो आप इस मुल्क के लिए खड़े होते, लोग खड़े होते इस मुल्क के लिए, कोई खड़ा नहीं हुआ। जबकि वो संसद में बोल गए कि हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि देश भर में गरीब से गरीब लोगों की क्या हालत होगी। और अभी भी हो रहा है,
कि लोग अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए तहसीलदारों के दफ्तर में रिश्वत दे रहे हैं और बड़ी मात्रा में सिर्फ इस भय के कारण कमाई हो रही है, लेकिन मीडिया में इसका कहीं रिफ्लेक्शन नहीं है। तो क्या यह मीडिया हमारे लोकतंत्र का निगेबान है? खुद सोचिए। तो ये दो टेस्ट में भारत का मीडिया फेल हो गया कि वो लोकतांत्रिक है। फेल तो वो सुधा भारद्वाज के केस में भी हो गया था कि जब उन्होंने खुद से उनको अपराधी बताना शुरू कर दिया। क्या क्या नहीं कहा गया सुधा भारद्वाज के बारे में। मीडिया की कल्पना में ये बात है कि वो मानवाधिकार के लिए लड़ेगा, लेकिन भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंभा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। वहां भी मीडिया फेल कर गया। और जब कश्मीर में हुआ तब क्या हुआ? 100 दिनों से ज्यादा हो गए इंटरनेट बंद है। इस हिसाब से तो पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद कर देना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।